व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आप सबके क्या हाल हैं? अब लेट हो गए हैं तो एक फटाफट स्किपिंग सेशन कर लेते हैं। पिछली बार किए थे 295, इस बार का टारगेट है 300 एक बार में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डूइंग स्किपिंग। ले स्किपिंग लोग इसको कर लेते हैं अपने हिसाब से सेट एंड स्टार्ट अवर 300 इन अ सिंगल अटेम्प्ट। हार्ट रेट बहुत तेज होती है, एक बार भी स्किपिंग कर लो एक साथ 250-300 हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि हार्ट को इतनी आदत नहीं होती ना, बट करना चाहिए ताकि हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, शरीर में पंप अच्छा हो, इसलिए स्किपिंग ज़रूरी है। अब लेता हूँ एक क्विक शावर, क्योंकि इसके बाद पसीने वसीने भी आ जाते हैं। अच्छा सा एक शावर लो, देन रेडी फॉर ऑफिस एंड गो टू डू सम वर्क। साइबर हब, और सुबह सुबह यार घर से निकलने से पहले कुछ टाइम तो इतनी जल्दी रहती है ना, 10-15 मिनट में कि भागो भागो भागो, बहुत तेज भागो। आप सबके साथ भी होता होगा कि दिन में 15-20 मिनट ऐसे आते होंगे जब बहुत तेज भागना होता होगा, लाइक या तो अपने अपने जॉब पे जाने टाइम या फिर किसी भी टाइम। एक ऐसा पल ज़रूर आता है जिसमें भागा दौड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेनली होता है वो जब मैं अपने घर से कैब पकड़ता हूँ इन भाई के साथ, तब हो जाता है, क्योंकि 5-10 मिनट में ये सब कुछ बहुत तेज, खाओ ना खाओ तेज, बाइक निकालो स्कूटी निकालो जाओ और क्या, क्योंकि ये भाई इंतज़ार करता है वहाँ पे, तो हम किसी को इंतजार भी नहीं करा सकते। या दैट्स द पॉइंट। अब हम पहुँच गए शंकर चौक के पास, यहाँ से लेंगे ऑटो और जाएंगे ऑफिस टू डू सम गुड वर्क। अ डे स्टार्ट, पहला ब्रेक ऑफ द डे, और हमारे साथ है सुमित भाई, तो आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं। सुमित बता, कहाँ जा रहे हैं? खाने तो इनको पता ही है, ये सरप्राइज रहेगा भाई की तरफ से, बट मैं कोशिश करूँगा कि आज, क्योंकि लंच आया है और लंच मेरा आता है तो आर पार, या तो आता नहीं है, आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे थोड़ी जगह बचा के रखनी पड़ेगी। बट हमारा भाई फ्री है, इसके पास जगह भी बड़ी है, तो ये कर सकता है। तो सुमित आप लंच आयो भर के, और ये अब करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। कन्फ्यूज है इधर और इधर, बट उसने चुन लिया, ये सिलेक्शन डन। बिरयानी की इतनी सारी लेयरें होती हैं, बढ़िया बर्फ़ से मिली हुई चटनी। आज मैं इधर आके भी कुछ नहीं खा रहा, क्योंकि लंच है भी, तो लंच के लिए कैपेसिटी बचा के रख रहा हूँ ताकि मैं लंच अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। सिंपल सादा खाना, बढ़िया खाना, थोड़ी सी जगह तो है यार पेट में, तो एक छोटा गिलास ताकि भूख भी ना लगे, छोटा गिलास गिलास भी बगैर पकड़ा हैवी डाइट, थोड़ा ये इसकी भी डाइट हैवी है थोड़ी, दोनों भाई भाई डोलू बोलू। ठंडा जूस मज़ा आया, पेट में थोड़ी ठंडक मिली, अब लंच तक के लिए बढ़िया हो गया सी। सो लंच गो टू वर्क। ये डर्राते इस लंच टाइम और दही आज फिर फैलिए, हम तो दही से परेशान हैं यार। अब लंच ओवर, इस टाइम टू सम वर्क, बढ़िया खा खाना, बट दही फिर फैल गई। चूज व्हाट एवर यू वांट, लास्ट ब्रेक ऑफ द डे एंड वी विल टेक सम आइसक्रीम अगेन एंड अगेन। ये गर्मियाँ आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हो रही है। कल क्या खाई थी हमने? हैव मोर, आज खाएंगे मदर डेरी।
आप बताओ क्या खाओगे आज? क्या? We are doing some bargaining. Have more mother dairy. चाहिए. मिनी चोको. अरे बालू. बालू. Again. आइसक्रीम तो आजकल डेली सी होगी भाई. मुझे भाई मैं खवा रहा आइसक्रीम. क्या नाम है भाई तुम्हारा? ऐसे नाम है भाई. बढ़िया आइसक्रीम वाइसक्रीम खाता है. मदर डेरी की आपने सप्लाई ले रखी है ऐसी? खैर ऐसी ऐसे चलती है भाई. मदर डेरी बढ़िया है. मदर डेरी भाई मानस का मन था वो कसाटा खाने का, तो ये लेके आया है. इस भाई पे अवेलेबल नहीं था तो उधर से. चलो भाई निपका लो, खा जाओ इसको. सुमित भोग लगाओ इसका. खान दे यार, जैसे खाना खान दे. भाई चम्मच. ये लास्ट बाइट ऑफ द गेम खत्म. भाई का कसाटा. भाई जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अभी चख के देखता हूँ. भाई की फेवरेट कसाटा खत्म. कैसा लगा आपको स्वाद? अच्छा लगा. भाई ने इतनी स्पेशल जाके खरीदी उधर से अंकल से. नाइस. इसका ये वाला पोर्शन है भी अच्छा. अब हम जाएंगे उधर काम धाम करने ऑफिस में. बढ़िया आइसक्रीम पार्टी ख़त्म. लाओ जैकॉइन बैग. तो वॉक थोड़ी देर में हो जाएगा यार ऑफ. उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि आज शाम को पीर पे जाने का प्लान है बिकॉज ऑफ दिस. सो लेट्स गो एंड एन्जॉय योर डे. अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम ऑफिस से घर के लिए हो गए रवाना. दिस इज़ अ नाइस डे. मज़ा आ गया. सुबह उठो घूमो फिरो इन्जॉय करो खाओ पियो अंधाधुंध खाओ भाई बाहर. देन आइसक्रीम तो आजकल ऐसी होगी डेली रेगुलर सी आइसक्रीम खाओ. और अब मैं जा रहा हूँ घर. और आज मेरे को यार पीर पे भी जाना है. कोशिश करूँगा कि टाइम से घर पहुँचूँ. चीनू वीनू को लेके पीर पे जाऊँ. तो मन करेगा तो वहाँ का ब्लॉग बना दूँगा. वो आएगा पर कल. बट इसको कर दूँगा यहीं ख़त्म थोड़ा सी व्यू के बाद. सो लेट्स एंजॉय द व्यू.